हेलो माय एमडी जेम्स, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे, हेल्दी और हैप्पी होंगे, राइट? माय सेल्फ राधा कुमारी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय कोची चैनल अगेन। एंड यस, इन द लास्ट लाइक सम कुछ क्लासेस में हमने क्या स्टार्ट किया, स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 5, दैट इज योर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? तो बच्चों, मुझे लगता है लाइक आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अच्छे से क्लियर होगा। मैंने आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन की है, हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.2 लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया, राइट? तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसे देखने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू दैट वीडियोस, बिकॉज ऑल द वीडियोस आर इंटरकनेक्टेड, राइट? सो टुडे लाइक वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज, दैट इज योर 5.3। बट बिफोर स्टार्टिंग 5.3 हम कुछ थ्योरी करेंगे जो उससे रिलेटेड है। लाइक आज हम क्या सीखेंगे, हाउ टू फाइंड सम ऑफ इन टर्म ऑफ योर इन, राइट? हाउ टू फाइंड द सम ऑफ योर इन, ठीक है? तो आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करो। लाइक द सेशन, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो ताकि उन्हें भी अच्छा लगे, वो भी नॉलेज ले सके। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? सो लेट्स गो टू द पीपीटी फर्स्ट, वेयर वी डिस्कस सम ऑफ द थ्योरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड देन वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज, फाइन? सो यस, हियर वी आर ऑन अवर पीपीटी एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले, दैट इज द सम ऑफ इन टर्म्स, राइट? हाउ टू फाइंड सम ऑफ इन टर्म्स, लाइक सम इज इक्वल टू व्हाट, इन मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ओवर 2, वेयर लास्ट टर्म इज योर, लास्ट टर्म क्या होता है हमारे पास पता है ना, an is, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, an क्या होता है आपका, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, फाइन? तो सम क्या हो जाएगा आपका, n मल्टीप्लाई a प्लस a n माइनस 1 d ओवर 2। इट मींस मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं, n ओवर 2, 2a प्लस a इज 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ठीक है? तो आपको बस याद रख लेना है कि sn कैसे फाइंड आउट करने है, हमें ये आइडेंटिटी है। अब ये आइडेंटिटी आई कैसे, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो आइडेंटिटी आई कैसे, ठीक है? तो चलो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि अभी आइडेंटिटी बनी कैसे। देखो हमें क्या निकालना है, सम निकालना है इस n टर्म्स का, ap का, ap का सम क्या होगा, ap के टर्म्स क्या होते हैं, a, a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस लास्ट टर्म क्या होता है आपका, n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। इन सबको आप ऐड करोगे तभी सम आता है हमारा। सम का मतलब ये है कि टर्म्स को ऐड करना, राइट? ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। नाउ लेट सपोज कि अब मैं इसी सीरीज को, जो ap की सीरीज है, उसको क्या करनी है, रिवर्स कर रही, उल्टा कर, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, ये अब आपका फर्स्ट टर्म बन जाएगा, देन सेकंड, देन थर्ड, और ये आपका लास्ट टर्म बन जाएगा। तो हमने अब सीरीज को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, a प्लस n माइनस 1 d प्लस a प्लस n माइनस 2 d एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म अब आपका क्या बन गया, a बन गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब देखो जैसे सीरीज, लेट सपोज 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर की सीरीज है, ये भी एक एपी है, इसी को मैं उल्टा कर दूंगी, 4 3 2 1, राइट? अब जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, 5, देन ये 5 और ये फिर 5 और ये फिर 5, देख रहे हो तीनों सारे टर्म्स सम के क्या हो रहे, इक्वल आ रहे हैं जब आप इन्हें ऐड कर रहे, है ना? तो इसका मतलब अगर मैं ए और ए को ऐड करूंगी तो क्या बनेगा, 2a, n माइनस 1 2a, मतलब ये फर्स्ट टर्म है 2a, n माइनस 1 इसका फर्स्ट टर्म ये है ना, इसको इसमें मैं क्या ऐड करूंगी, a, तो a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बन गया। इसके सेकेंड टर्म को इसके सेकेंड टर्म से अगर मैं ऐड करूंगी तो देखो क्या आएगा, a प्लस a 2a और n माइनस 2d, ये हो जाएगा आपका n d माइनस 2d और ये प्लस 2d, तो ये क्या बन जाएगा आपका, n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और इसी तरीके से लास्ट में भी अब जब आप ऐड करोगे तो सेम टर्म बन रहा है, देख लो आप ऐड करके देख लो तो सेम टर्म बन रहा है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जितनी बार भी आप इनको ऐड करोगे सबका नंबर क्या होता है, जैसे यहाँ पे सेम आ रहा है ऐसे यहाँ पे यही टर्म बार बार आएगा आपका, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि आपका एस एन क्या हो जाएगा, और इधर की साइड पे क्या होगा, एस एन प्लस एस एन 2n एस एन बनेगा आपका, तो ये 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखो कि अगर मुझे ये तो क्लियर हो गया ना आपको कि मेरे पास ये कैसे आया, बार बार क्या आ रहा है, एक ही टर्म आ रहा है, सेम सेम, जैसे यहाँ पे देखो सेम सेम टर्म आ रहा है। अब इन्हीं को तो मुझे प्लस करना है, राइट? अब प्लस क्या होता है आपका,
रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन ही होता है. मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? रिपीटेटिव एडिशन. तो बाबा ऐड करने से अच्छा क्या मैं देख सकती हूँ उसको 1, 2, 3, 4 टाइम 5 है, यानी 4 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 20, यानी इन समों का इनका सम क्या आएगा? 20 आएगा, आएगा ना. तो अब इनका सम अगर 20 आएगा तो मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, ऐसे लिख सकती हूँ ना, n मल्टीप्लाई 5. अब n काउंट कर लो भाई कितने टर्म्स है इसमें. तो इसी तरीके से इसमें जितने भी टर्म्स है उसको हमने क्या मान लिया, हमें नहीं पता कितने टर्म्स है, वो क्या है, n है, राइट. तो n मल्टीप्लाई क्या बनेगा आपका, जो टर्म है सेम टर्म 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, राइट. उसके बाद हमें क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है 2 से. अब इसका देखो सम करोगे तो क्या है, 4 दो बार आप एक ही चीज को ऐड कर रहे हो ना, मतलब इसका डबल बार सम आ गया. लेकिन हमें तो सिंगल सम चाहिए, एक बस एक ही सीरीज का सम चाहिए. तो उसको क्या करना पड़ता है, 2 से मैं डिवाइड कर दूंगी क्योंकि एक ही चीज को मैंने दो बार ऐड किया. तो आंसर क्या आ जाएगा, 10. अब देखो क्या इनका सम 10 आ रहा है, देखो 4 प्लस 3 7 8 9 10. ऑफकोर्स इनका सम क्या आ रहा है, 10 आ रहा है. तो इसीलिए हमें इस सीरीज को अभी जो सम आ रहा है उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो हमारे पास सिंगल सीरीज जो है ये हमारी, उसका सम मिलेगा. समझ में आया कैसे कर रहे हैं, कैसे आई आइडेंटिटी क्लियर है अभी आपको? अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट करो, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. वैसे मेरे ख्याल से आपको आ जाना चाहिए समझ में कि बहुत ही आसानी से हम इसको कर रहे हैं, बस सीरीज को उल्टा किया, एक ही सीरीज को आप दो बार ऐड कर रहे हो. जब दो बार ऐड करोगे तो ऑब्वियस बात है एलिमेंट्स क्या होंगे, डबल डबल हो जाएंगे. और हमें तो लेकिन सिंगल टाइम ही सम चाहिए, इसलिए हम पूरे को क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है. अब जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, आपकी ये एपी सीरीज के वन है और आपको पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ एपी, इसका सम निकालो. तो हम सम कैसे निकालेंगे, हमें पता है ए क्या है, 100 है, ए एन क्या है, एन दिया हुआ है टोटल की 500 टर्म्स है इसमें, सॉरी लास्ट टर्म ए एन है 500. कॉमन डिफरेंस हमें पता है, इसमें से माइनस करके निकाल देंगे हम, 5 आ गया. तो हमें पता है ए एन क्या होता है, ए प्लस ए एन इक्वल टू, क्योंकि मुझे एस एन निकालना है, एस एन के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए. और एन कैसे पता लगेगा मुझे, क्योंकि हमारे पास ए एन के वन है. यहाँ से लास्ट क्लासेस में आपने देखा है कि अगर आपको ए एन के वन है तो हम एन कैसे निकालें, बस इस आइडेंटिटी में वैल्यूज आपने पुट किया और यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी. और एन को एन आते ही हम क्या निकाल देंगे, एस एन निकालेंगे. अब देखो एन पता लग गया हमारे पास, तो एन क्या हो गया हमारे पास, 81, राइट. अब एन आपके पास 81 है तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल टर्म ये है तो हम एस एन निकाल सकते हैं ना. अच्छा एस एन को देखो हम ये भी लिखते हैं, 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी है और यहाँ पे n अपॉन 2 है. तो अब n हमें पता चल गया क्या है, 81 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई a क्या था हमारे पास, देखते हैं a क्या था लास्ट में, पीछे देखते हैं, a क्या है आपके पास, 100 है, 2 मल्टीप्लाई 100, 81 n है माइनस 1 मल्टीप्लाई डी क्या है, 5 है, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है. तो ये क्या हो जाएगा आपका, 200 प्लस 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 जा 40, 400 और ये 81 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 10, 4 प्लस 2 600 हो गया और 2 से डिवाइड करोगे तो 300, यानी कि 81 मल्टीप्लाई 300 अगर हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 1 3 8 3 24. मतलब इन इस सीरीज के सारे टर्म्स का जो सम है वो क्या आएगा आपका, ये आएगा, ठीक है, समझ में आया. अब देखो एक और चीज है, एस एन की जो हमने आइडेंटिटी निकाली है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये है ना. अब इसको अगर मैं सेपरेट कर दूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस a, a प्लस a n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, लिख सकते हैं ना वैसा, a प्लस a n माइनस 1 मल्टीप्लाई d. तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू d ये क्या बन जाता है आपका, a n बन जाता है ना, इसकी आइडेंटिटी a n है. तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना कि s n क्या हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है, n अपॉन 2 a प्लस a n, मतलब ए एन मतलब लास्ट टर्म, यानी कि एन अपॉन 2 ए प्लस लास्ट टर्म. अगर आपको सीरीज का लास्ट टर्म पता है तो आप आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो, पूरा आइडेंटिटी लगाने की इस तरीके सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट. अब देखो मैं इसी चीज को नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया उसको, उसमें हमने देखा था ना आंसर क्या है, अब उसको हम इस तरीके से भी सॉल्व करके देख लेते हैं. एस एन क्या होता है आपका, एन हमारा 81 आया था ना, तो 81 अपॉन 2 a यानी कि 100 प्लस l यानी कि 500, l हमें पता है लास्ट टर्म 500, देखो यही आएगा ना, 81 अपॉन 2 इनटू 600 यानी 81 मल्टीप्लाई 300, यही आया था पिछले बार भी जब हमने वो पूरी आइडेंटिटी भी लगाई थी. समझ में आया, इसका मतलब क्या है कि आपको
आप ये आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो कि एस एन इक्वल्स टू, अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो एन अपॉन टू ए प्लस एन। ठीक है, समझ में आ गया। और यहीं पे इसीलिए इसीलिए अगर आपका जो सीरीज है वो ऐसे स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर लेट सपोज, तो इसीलिए आपने पहले भी क्लास में पढ़ा होगा कि इनका सम क्या होता है, एन एन प्लस वन अपॉन टू, ऐसा होता है ना, हमने पढ़ा है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एन अपॉन टू तो यहां से आ गया, ये वाला एन अपॉन टू, और ये क्या बन गया, ए प्लस एल। ए क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म क्या है आपका वन है, और सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, एन होगा, होगा ना, जो भी एन होगा। तो बस इसीलिए हमारी ये आइडेंटिटी बनी है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, एन एन प्लस वन अपॉन। ठीक है, समझ में आया। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम क्या करते हैं, अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो टू द बोर्ड। तो ये आ गए हम अपने बोर्ड पे, और हमारी एक्सरसाइज है कौन सा, हमारा 5.3 एक्सरसाइज हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर वन देखो क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास एपी गिवन है और आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया कि हम सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट इसका सीरीज क्या है, 2, 7, 12, 2, 10 टर्म्स। 10 टर्म्स यानी कि n गिवन है, आपके पास क्या क्या चीजें गिवन है। देखो n हमें पता है कि 10 है, a हमें पता है a क्या है 2 है, राइट। d हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, a2 माइनस a1 कर लेंगे, a2 माइनस a1 याद है ना, 7 में से 2 माइनस किया क्या आया, 5 आया, यानी d आपके पास 5 आ गया। अब सारी चीजें तो हैं आपके पास, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, अच्छा इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगी मैं एस एन के लिए, क्या मैं एन अपॉन टू ए प्लस एल वाली लगा सकती हूँ, नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती, बिकॉज मुझे लास्ट टर्म नहीं पता है ना, तो लास्ट टर्म नहीं पता है तो मैं कौन सा लगाऊंगी, ये वाली लगाऊंगी, एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ठीक है, और बस वैल्यूज आपको पता ही है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एन क्या हमारे पास 10 है, तो 10 अपॉन टू, 2 मल्टीप्लाई ए क्या है हमारे पास 2 है, प्लस एन क्या है 10, तो 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी क्या है हमारे पास 5 है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, ये क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 प्लस 9, और 9 मल्टीप्लाई 5 9 5 जा 45, राइट। तो ये क्या आ जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 45 प्लस 4 यानी कि 49। तो आंसर क्या आया आपके पास, 9 5 जा 45 कैरी 4, 5 and 4, 24. मतलब ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, राइट। यानी कि इस सीरीज का जो सम है, इस सीरीज जितने भी टर्म 10 टर्म्स है इस सीरीज में, उनका जो सम होगा वो क्या होगा आपका, 245 होगा। ठीक है, समझ में आया सबको, किसी को कोई डाउट, ओके कोई डाउट नहीं है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर टू, जल्दी से मैं इसको रब कर लेती हूँ, एंड देन हम इसको क्वेश्चन नंबर टू को पार्ट टू मतलब सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो पार्ट टू में क्या गिवन है, पार्ट टू में भी हमारे पास क्या है, सीरीज गिवन है, राइट, और उसका सम निकालना है। अब सीरीज क्या है, देखो हमारा है -37 -33 -29 एंड 212 टर्म्स, 12 टर्म्स है, मतलब हमारे पास क्या क्या गिवन है, एन गिवन है, एन क्या है 12, राइट। ए क्या होगा फर्स्ट टर्म, यानी कि -37 यही होगा। उसके बाद हम डी निकाल लेंगे, डी ए टू में से ए वन को माइनस कर देंगे, ए टू क्या है -33 -37, ठीक है, तो क्या आ जाएगा -33 +37, तो आंसर क्या है हमारे पास, 7 में से आप 3 के सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आया 4, यानी कि डी जो है हमारा वो क्या है 4 है। अब सारी चीजें पता है हमारे पास, बस हमके क्या निकालना है, SN। तो SN में फिर से हम सेम वही लगाएंगे आइडेंटिटीज, n अपॉन में 2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, इसको याद कर लो अच्छे से, क्योंकि बार बार सेम आइडेंटिटी यूज होती है आपकी। तो n क्या है हमारे पास 12 है, इस टाइम पे 12 गिवन है, 12 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई a क्या है हमारे पास -37 प्लस n यानी कि 12 माइनस वन मल्टीप्लाई डी यानी कि 4। ये क्या हो जाएगा, ये कट गया आपका क्या आया 6, और 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो -7 टू 14 कैरी 1, 3 टू 6 और ये 7 प्लस
11 into 4 यानी कि 44, तो क्या आएगा equals to 6 multiply 0 और इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा 3 यानी माइनस 30। तो आंसर क्या है आपका 6 3 18 यानी कि 180 माइनस 180। मतलब क्या है आपका सम क्या आया माइनस 180, मतलब जब आप इनके टर्म्स को सबको सम करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका माइनस 180। ठीक है, समझ में आया, किसी को कोई डाउट? चलो कोई डाउट नहीं है तो अभी हम क्या करते हैं नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यस। तो अभी हमारे पास कितने पार्ट्स बचे हैं, दो पार्ट्स बचे हैं। बताओ इसमें से एक पार्ट मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ, एक पार्ट मैं बताऊंगी, तो कौन सा वाला मैं बताऊँ? देखो ये अपॉन में लग रहा है तो मैं ये वाला बता देती हूँ, राइट। ये वाला आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा और सबको होमवर्क करना है, राइट। चलो तो फोर्थ पार्ट मैं बता रही हूँ आपको, एंड फोर्थ पार्ट में क्या है 1/15, 1/12, 1/10 एंड 2/11 टर्म्स। कितने टर्म्स है हमारे पास अभी, 11, राइट। तो मतलब क्या क्या चीज है गिवन है हमारे पास, ए हमें पता है, ए क्या है 1/15 है, राइट। एन हमें पता है वो क्या है 11 है ना, और डी क्या होगा आपका a2 - a1 यानी कि 1/12, इसमें से हम क्या करेंगे 1/15 माइनस कर देंगे, राइट। तो अभी देखो क्या आएगा आपका एलसीएम, क्या आ जाएगा 120 आ सकता है क्या, 120 हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 10 यानी कि 10 माइनस 15, 15 को किससे आएगा बताओ, 15 8 जा, राइट, 15 8 जा यानी कि 8 आएगा। ये क्या है आपका 2/120 यानी कि 1/60। तो जो आपका d है वो क्या है 1/60 है, d क्या है 1/60, राइट। तो हमारे पास d भी पता लग गया, n भी पता लग गया, अब a भी पता लग गया। अभी निकालना है क्या हमें, sn फाइंड आउट करना है। sn हमें पता है क्या होता है, n अपॉन में 2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, राइट। अब n हमें पता है, n क्या है 11/2, 2 मल्टीप्लाई a क्या है 1/15 प्लस n 11 - 1 इंटू डी क्या है 1/60, राइट। तो अभी ये तो कट नहीं रहा तो हम ऐसे ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे भी क्या आएगा 2/15 आएगा प्लस ये क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई 1/60, तो ये कट है आपका 0 से 0 और यहाँ पे हमारे पास क्या आया 11/2। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 15 और 6 का, तो 15 और 6 का क्या आ सकता है 15 2 30, 30 यानी कि 4 प्लस 6 5 35, ठीक है। तो क्या आएगा आपका 11/2 मल्टीप्लाई 9/30, तो ये आ गया। अब ये कट रहा है आपका, तो हम इसे काट देते हैं 3 3 9, 3 10 30, और तो कुछ नहीं हो रहा, तो आपका आंसर क्या आया 33/20, मतलब ये आपका सम आ गया, इनके टर्म्स का जो सम आएगा वो क्या आएगा आपका 33/20 आएगा। ठीक है, समझ में आया, फ्रैक्शन में था इसीलिए थोड़ा सा वो था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप बाकियों को सॉल्व करते हो वैसे आप इसे भी सॉल्व करोगे, ठीक है, क्लियर है। चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैं एक पार्ट बताऊंगी और बाकी पार्ट आपको होमवर्क में करने है, ठीक है। सो लेट्स गो, यस। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास, यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, सीरीज आपको गिवन है, सम निकालना है। अब जैसे फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है ना, चलो करके देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सीरीज है आपके पास 7 + 10/2 + 14 + so on and + 84। अब इसमें डिफरेंट क्या है कि लास्ट टर्म दिया हुआ है लेकिन n नहीं दिया हुआ है, राइट। तो पहले आपको n फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो a तो हमें पता है a 7 है, an आपको गिवन है लास्ट टर्म वो 84 है, और d हमें पता है, d क्या होगा आपका, सबट्रैक्ट करेंगे तो 10 2 20 + 1 21/2 - 7, तो क्या आएगा आपका 7 2 14, 14 में से लाइक 14 6 7/2 आ जाएगा, यही आएगा ना, एक सेकेंड, 21 माइनस, ये आएगा आपका जैसे 21 - 14/2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 11 में से 4 गया तो 7, आपके पास क्या आया d, 7/2 हमारा क्या आया d आ गया, राइट।
तो अब पहले हमें तो एन, इसमें टोटल टर्म्स कितने ये तो पता होगा, तभी तो आप एस एन निकालोगे। तो एस एन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए एन वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई टी, क्योंकि ए एन हमें पता है, ए एन क्या है 84 है, ए हमें पता है 7 है, एन हमें नहीं पता है, मल्टीप्लाई डी हमें पता है 7/2। अब ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा तो क्या होगा आपका, 14 में से 7 माइनस किएंगे 7, और ये 10 में यहाँ पे 7 इक्वल्स टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई 7/2, राइट। अब एन माइनस वन क्या हो जाएगा आपका 77 मल्टीप्लाई 2/7, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 11, यानी एन माइनस वन इक्वल टू क्या आया 22, एंड हमारा एन क्या आया 22 प्लस वन डेट इज 23, राइट। अब आपको एन पता लग गया है तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, एस एन, एस एन इक्वल टू क्या होता है आपका एन अपॉन टू ए प्लस एल। अब मैं इसमें क्या लगा लूंगी, ए प्लस एल, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है, ठीक है। तो क्या आएगा आपका एन क्या है 23 अपॉन टू, और ए हमारा पता है 7 है, और लास्ट टर्म क्या है 84 है, ठीक है। तो क्या होगा आपका 23 अपॉन 2, और इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 7 प्लस 4 11 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, राइट। अभी डिवाइड तो हो नहीं रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वही क्या आएगा आपका सम आ जाएगा। लाइक 23 को 91 को आप 23 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपका 90 प्लस 1, तो आएगा आपका 93 सा 27 कैरी 1, 92 सा 18 19 20, ये आ गया 270, सॉरी एक सेकंड गलत कर दिया, क्या आएगा 90 से करेंगे तो 93 सा 27 कैरी 2, 92 सा 18 19 20 प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 को तो आएगा 23, आप इसे ऐड करोगे तो 3902, यानी क्या आया 2093 अपॉन 2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सम आपका, ठीक है। हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई आप चेक कर लेना एक बार, वैसे तो सही किया है मैंने बिल्कुल, 90 प्लस 1 से करेंगे 93 जा 27 कैरी 2, 92 जा 18 19 20, ठीक है, एंड 23 इसमें ऐड करेंगे तो दिस वन, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया कैसे हमने सम निकाला, बाय यूजिंग दिस मेथड, ओके। अभी चलो जल्दी से एक और पार्ट मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, बाकी सारा होमवर्क में, बाकी के जो दो पार्ट्स हैं वो हम होमवर्क में करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो मैं कौन सा पार्ट बताऊँ आपको, बताओ जल्दी से, चलो यही वाला मैं सॉल्व कर देती हूँ, ये आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। थोड़ी सी मैं नेगेटिव पॉजिटिव वाले हैं, कोई बात नहीं, अब आप भी तो कुछ ट्राई करोगे। क्या क्वेश्चन है, 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड प्लस 10, मतलब अगेन इसमें को भी हम सेम तरीके से करेंगे, ए आपको पता है 34 के 1 है, डी क्या हो जाएगा 32 माइनस 34 यानी कि माइनस 2 आपका डी है, ए एन आपको पता है वो क्या है 10 है, राइट। तो हम क्या करेंगे फिर से, सबसे पहले एन फाइंड आउट करेंगे, और एन के लिए हमें क्या पता है कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी होता है, राइट। और ए एन क्या हमारे पास 10 है, ए क्या है 34 है, प्लस एन यानी कि हमें नहीं पता एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी क्या हमारे पास माइनस 2 है, राइट। तो ये 34 इधर जाके हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस 24 इज इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस 2, राइट। माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 12 इक्वल टू एन माइनस 1, तो n क्या है आपका 12 प्लस 1 यानी कि 30, ठीक है। n हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब हमें क्या निकालना है sn, और sn का तो अगर n पता हो और लास्ट टर्म पता हो तो और भी आसान है, क्या है n अपॉन 2 a प्लस l, सिंपल। तो n क्या है 13 अपॉन 2, और a हमारा क्या है 34, और l क्या है 10, तो क्या आ गया आपका ये 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 44, और ये आपका आ गया 22। तो अब हमें क्या करना है, बस 22 को 13 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगा आपका लाइक 3 2 6, 3 2 6, 2 and 2, 6 6 7 8 एंड 2, यानी कि आंसर क्या है आपका 286, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। किसी को कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया,
अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। और ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, राइट? और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि क्या आंसर आया आपका, इसका सम क्या आया। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और बाकी चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है? टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।